प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 25,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, 800 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। यहाँ तक बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 3-3 मंत्री अरविंद भदौरिया, तुलसी सिलावट, राम किलावन पटेल और कई वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, कई आरएसएस के नेता, कई भाजपा के संगठन मंत्री, भोपाल के, प्रदेश के सब संक्रमित पाए गए। लगातार प्रधानमंत्री देश के जो है मोदी जी और मुख्यमंत्री अपील करते हैं कि सब मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, कोरोना के प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन देखने में आता है कि प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कोरोना के प्रोटोकॉल व गाइडलाइन का जरा भी पालन नहीं करते हैं। न वे मास्क लगाते हैं, न 2 गज की दूरी रखते हैं और न नियमों का पालन करते हैं और लगातार नियमों को तोड़ते रहते हैं, नियमों का मजाक उड़ाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता पे किसका गलत प्रभाव जाता है कि एक प्रदेश का इतना जिम्मेदार मंत्री यदि इस तरह कोरोना के नियमों को पालन नहीं कर रहा है तो जनता को किस हक से पालन किया जा कराया जा रहा है नियमों का, किस हक से मास्क नहीं लगाने पर उनका जुर्माना लगाया जा रहा है, किस हद से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही और मंत्री खुलेआम घूम रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कायदे से तो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री है, तो उन पर कार्रवाई करने का साहस तो किसी में नहीं है। तो कांग्रेस ने आज एक इनाम की राशि रखी है कि जो भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जो प्रदेश के गृह मंत्री है, कोरोना का मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, प्रोटोकॉल व नियमों का पालन के लिए बाध्य व राजी करेगा, उसे कांग्रेस इनाम के रूप में 11,000 की राशि देगी, प्रदेश हित के लिए देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री यदि कार्यक्रमों में जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं तो कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। तो प्रदेश के नागरिकों के हित में, जनता के हित में कांग्रेस ये इनाम की राशि रख रही है और जो भी इस मंत्री को नियमों का पालन कराएगा कांग्रेस सहर्ष रूप से यह राशि उसे सौंपेगी। ये वही मंत्री नरोत्तम मिश्रा है जो किसान कर्ज माफी को लेकर कहते थे कि एक भी नाम बताओ 2 लाख रुपए देंगे। हम इनके घर पूरी सूची लेके गए थे, इनाम की राशि तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन इनको मास्क बनाने वालों को हम इनाम की राशि जरूर देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।